जो आदेश होता है वही नेता होता है। आज के दिन में लोकतंत्र की स्थापना, असली लोकतंत्र माने मोदी जी के और माने नड्डा साहब और भारतीय जनता पार्टी, एक दलित की बेटी को राष्ट्रपति बनाना, एक आदिवासी को, एक दलित आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना, एक मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना, ये भाजपा में ही संभव है लोकतंत्र। बाकी इनके पास क्या था? अब इनसे निषाद हट गया, यादव हट गया और दलित हट गया, तो क्यों नहीं अब कांग्रेस जीत जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बार फिर उन्होंने हिंदू धर्म पर हमला बोला है, कहा हिंदू कोई धर्म ही नहीं, जबकि आप पूर्व में भी एक बार उनको नसीब दे चुके हैं और अखिलेश यादव ने भी उनको कहा था कि अपने उस पर काबू रखें, थोड़ी भावनाओं पर काबू रखें। देखिए, अधर्मी लोग हैं, इनका क्या जवाब दिया जा सकता? जनता इसको जवाब दे चुकी है 2024 में, दे रही है। जिसको जनता खारिज कर रखी हो उनको क्या बात है? ये तो मलाई खाते हैं तो धर्म गाते हैं, जब मलाई नहीं मिलता तो अधर्मी हो जाते हैं। बसपा में थे उस तरीके थे, तब तो बोली नहीं निकलती थी, और जब भाजपा में आ गए थे तो राम राम रट रहे थे, और जब बसपा भाजपा से हार गए अब मुँह में मलाई नहीं है। तो ये सब भाड़े के पहलवान हैं। मुलायम सिंह के समय अखाड़े के पहलवान थे, ऐसे भाड़े के पहलवान दो चार ठोर रख ले सपा तो साफ हो जाएगी। ठीक, तरफ से माना जाए कि कोई कैंडिडेट उतरेगा? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रूप में है, माननीय गृह मंत्री नड्डा साहब, माननीय योगी जी हमारे गार्जियन हैं, वो तय करते हैं। हम एक सीट थे 2017 में, हमें 15 सीट दिया और 11 मैंने हारी लिया, 9 जीता, उसमें से 11 विधायक आज के दिन में। तो इसलिए हमने उन्हें गार्जियन मान लिया, जैसे भी होगा इतना आश्वस्त करता हूँ भोजन मेरी थाली आज लोकसभा में जाए। अपने सिंबल से लड़ेंगे वो 2018 में, हम 25 दिन 2019 में जब हम गए थे तो 23 दिन रह गया था, सारी सीटें बट गई थी, 8 सीटें बची थी, तो 8 सीटों में कहीं सीट कटवा के टिकट कटवा के हारने के लिए थोड़ी ना, तो 8 सीटों उन्होंने कहा कहीं लड़ लीजिए, 8 सीटों में कहीं बूथ गठन नहीं था निषाद पार्टी का, तो वोट कौन डलवाता, तो हम हारने के लिए वोट राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, तो इसलिए 8 सीट पर निषाद पार्टी नहीं जीत पा रहे थे, इसलिए इंजीनियर प्रवीण निषाद को भोजन भरी थाल मतलब कमल निशान से जितवाया। लेकिन वकील तो आज निषाद पार्टी के हैं ना, वकालत तो निषादों का ही करते सदन में, तो इस बार भोजन भरी थाली लोकसभा में जाएगी, क्योंकि अब विधानसभा विधान परिषद में भी कैबिनेट में भी सभी दोनों तीनों सदनों में भोजन भरी थाली है। सीट नहीं, हम लोग जीत के लिए काम करते हैं, जब से आए हैं देखिए लगातार जीत हो रही है चाहे जिस क्षेत्र में। अभी तक तो भारत जोड़ो निकाल रहा है, नया यात्रा निकाल रहा है, क्या लगता है आपको? भारत की जनता जज होती है, वही जजमेंट देती है, वही जनता जनार्दन है, ईश्वर का दूसरा रूप है, साइनिंग अथॉरिटी है, और जनता ने खुद न्याय यात्रा निकाली है कि कौन अन्याय है कौन न्याय है। तो अगर इन्होंने 70 साल न्याय दिया होता जनता को तो शायद जनता इनसे दूर नहीं होती, इसलिए जनता ने जजमेंट सुना दिया कि ये अन्याय करने वाले लोग हैं, इन्हें हटाओ, और मोदी न्याय देने वाले हैं, निचले पावधान पर रहने वाले लोगों को उनकी चिंता करके उनके लिए नीति बनाने वाले हैं, और निचले पावधान पर रहने वाले को विकास की धारा में जोड़ने के लिए 80 करोड़ लोगों को अनाज जो था, 80 करोड़ लोगों को यही अनाज गोदाम में सड़ रहा था, गांव का गरीब भूखों मर रहा था, मोदी जी ने नीति बना दी 80 करोड़ लोगों को ये अनाज मिला, मकान मिला, इलाज। आज निषादों को भी इसी तरीके से है, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, मछुआ दुर्घटना बीमा है, किसान क्रेडिट का फिशरीज क्रेडिट, ये सारे चीज़ योजनाएँ हैं जो आज के दिन में दिया। इसीलिए हम लोग 13 तारीख को हम लोग इन्हीं लोगों को, इनके बचने के लिए, ये लोग बहुरुपया लोग हैं, वोट ले लेते हैं, जब सत्ता में जाते हैं तब नहीं देश और प्रदेश और जनता याद आती है, और जब सत्ता से दूर हो जाते हैं तब जनता याद आती है। इसीलिए 13 जनवरी को हमने अंबेडकर नगर, अंबेडकर पार्क लखनऊ में महारैली की है, संकल्प हमने लिया है, और 18% मछुआरे एकदम आटे 18% मछुआरों ने एकदम तय कर रखा कि जो कांग्रेस ने 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया दिया, ये हमारे लिए बहुत इतना निंदनीय है कि एक पैसा एक मछुआरे के ऊपर विकास के लिए आएगा, आज 39,000 करोड़ रुपया 6 साल में दिया, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कौन अन्याय कर रहा है कौन न्याय कर रहा है ये जब हम लोग बता तो मालूम है, इसलिए उनके कुछ दौड़ने से कुछ नहीं होता। बिहार में अभी तो 31 तारीख तक इंडिया गठबंधन को सीटें जो है डिसाइड करनी थी, लेकिन बिहार में लालू और नीतीश जी ने पहले ही 17-17 सीट बांट दी, क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन सीट बांट पाएगा, कांग्रेस को महत्व नहीं दे रही? देखिए, ये इंडिया जो है एक कब्रिस्तान है,
यूपीए का, और जितना उसका घोटाला है वो उसको उसे दफन करना। ये जितने दल बने हैं देश में वो सब कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से बने हैं। गलत नीतियों जैसे ये आवाज़ अपनी सामाजिक संगठन से उठाए तो कांग्रेस ने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया, दल बना के सदन में गए। तो ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। फोटो में तो दिख जाते हैं कि ये दल हैं, लेकिन दिल अंदर से एक दूसरे का खिलाफ है। और ये लोग बार बार बैठ के तय करते हैं कि अकेले मोदी का सामना हम नहीं कर पाएंगे, ये बिना दूल्हे के बारात है और सब दूल्हा बनना चाहते हैं। और हम 39 पार्टियों ने तय कर रखा है कि मोदी के नेतृत्व चुनाव लड़ना है और 330 पर इंडिया सरकार। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का जो है उद्घाटन है, तमाम पार्टियों को जो है नेता गया है, कांग्रेस भी अभी समझ नहीं पा रही है कांग्रेस की हम आएंगे कि नहीं आएंगे। सीपीआई ने कह दिया है कि हम जाएंगे ही नहीं, सपा ने कहा है कि हमको तो निमंत्रण ही नहीं कोई भेज रहा है। देखिए हम गर्व है 22 जनवरी का अपना राम का मंदिर बनना, हम निषादों के लिए और गर्व है कि गुरुकुल में भगवान राम और निषाद राज पढ़ते थे और आज उनका मंदिर बन रहा, उधर निषाद राज के किले पर 20 करोड़ 38 लाख का ऑडिटोरियम बन रहा। तो ये हम लोगों के लिए है कि पर्यटक स्थल घोषित है। तो ये हर भारतीयों को है, चाहे न्योता मिले चाहे ना, ये न्योता न मिलना एक राजनीतिकरण है, जाना चाहिए चुपचाप, क्योंकि सभी लोग यहाँ भारत के भारतीय हैं और भारतीय सभ्यता, भारतीय जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम सभी लोगों को एक रास्ता बताने के लिए आए थे। और सबसे पहला दर्शन भगवान राम के अंदर किसी ने भगवान के रूप में देखा तो निषाद राज ने देखा था। तो आज देखिए हम लोग जब से हम आए तो देखो कैसे हो रहा है। कांग्रेस क्यों नहीं जा पा रही, कांग्रेस क्यों नहीं तय कर पा रही? वो एक्चुअल में चक्कर में रहते हैं, मुसलमान हट जाएंगे तो क्रिश्चियन हट जाएंगे, बस वो इसी उस सपा में है, इसलिए और निर्णय नहीं ले पाते हैं। वो सोचते हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं, जबकि आप पूर्व में भी एक बार उनको नसीब दे चुके हैं और अखिलेश यादव ने भी उनको कहा था कि अपने उस पर काबू रखें, थोड़ी भावनाओं पर काबू रखें। देखिए अधर्मी लोग हैं, इनका क्या जवाब दिया जा सकता है? जनता इसको जवाब दे चुकी है 2024 में दे रही है, जिसको जनता खारिज कर रखी हो उनको क्या बात है। ये तो मलाई खाते हैं तो धर्म गाते हैं, जब मलाई नहीं मिलता है तो अधर्मी हो जाते हैं। बसपा में थे उस तरीके थे, तब तो बोली नहीं निकलती थी, और जब भाजपा में आ गए थे तो राम राम रट रहे थे, और जब बसपा भाजपा से हार गए अब मुँह में मलाई नहीं है। तो ये सब भाड़े के पहलवान हैं। मुलायम सिंह के समय अखाड़े के पहलवान थे, ऐसे भाड़े के पहलवान दो चार ठोर रख ले सपा तो साफ हो जाएगी। ठीक है।